जिस तरह अनंत काल से ये सूर्य अपनी रोशनी से संसार का कल्याण कर रहा है, जिस तरह हजारों वर्षों से ये नदी मानवता के हित में बिना रुके बिना ठहरे निस्वार्थ भावना से संसार की पालनहार बनी हुई है, ठीक इसी उद्देश्य के लिए एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का भी निर्माण हुआ है। एवरग्रीन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में कार्य करती है, जिसे एवरग्रीन ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। एवरग्रीन सोसाइटी का मूल मंत्र है सहकारिता के साथ सबका विकास। एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सच की कसौटी पर आधारित एक सच्ची कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश के 5 प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा में काम कर रही है। इन राज्यों में 75 से ज्यादा शाखाएं, 200 से ज्यादा कर्मचारी और 5000 से ज्यादा चैनल पार्टनर हैं। एवरग्रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो जुड़कर हमने हासिल किया, एक काफी बड़ा मुकाम हासिल किया। इससे पहले मैं किसी और कंपनी में काम करता था, वो चीज आज तक वहां से हमें नहीं मिली, लेकिन आज एवरग्रीन में जुड़ के उस चीज को हमने हासिल किया और एक काफी नाम कमाया। आज मैं एवरग्रीन के माध्यम से पूरे पूर्वांचल में लगभग 22 ब्रांच दिया हूँ एवरग्रीन को, एक और आगे भी एवरग्रीन को ब्रांच देते रहेंगे। मैं अब तक एवरग्रीन में परिवार में जितने भी लोगों को लाया हूँ, पिछले अपना जो भी कंपनियों में उनका वर्क रहा है 4-5 साल से, जो भी उनके वर्क जो भी रहे हो, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं रहा है। एवरग्रीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कंपनी अपने करियर को यानी अपना ग्रोथ 2 साल में दिखाई, उसके अलावा हमारे साथ जुड़े लोगों को भी उन्होंने उसी तरह ग्रोथ के रास्ते पे ले गए। जैसे आज हमारे डाउन लाइन में लोग कार अचीवर हैं, बाइक अचीवर हैं, हम खुद कार विनर हैं और कंपनी ये 2 साल के में 5 कंपनियों को ग्रोथ मेंटेन कर रही है। तो ये दिखता है कि हाँ, जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है और अच्छा है। जो चीज़ अदर कंपनियों में हम लोगों को नहीं मिला वो एवरग्रीन में मिला है। या अकेले बंदा था मैं जो मिर्ज़ापुर में गया था इस कंपनी को लेकर के, और वहाँ पे मैंने 2 साल में वो अचीवमेंट करके दिखाया है कि दूसरी कंपनी तो पीछे हट गई मिर्ज़ापुर में, क्योंकि आज मेरे नीचे 2200 लोग हैं और मैंने 4-व्हीलर अचीवमेंट किया है मात्र 1 साल में, और जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली मैं जहाँ पे पहले काम करता था वहाँ पे ये मुझे नहीं लगा था कि मेरे जो सपने हैं, मेरे जो अपने लाइफ स्टाइल हैं, मैं जी नहीं पाऊँगा। तो जब मैं एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब मैं आया तो मुझे यहाँ लगा कि नहीं, वाकई में मैं लोगों की सहायता करके अपने आप को मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। 21 जनवरी को मैंने इंडिको सीएस अचीवमेंट किया और हमारे नीचे 17 मोटरसाइकिल अचीवमेंट दोस्त हैं, और मैंने 5 ब्रांचेस अभी मिर्ज़ापुर में जो ओपन है हमारी एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो बड़े अच्छे से बिजनेस कर रही। आज मेरे जितने भी सारे सपने थे, सारे सपने जो है कि मेरे आज यहाँ पर सारे के सारे सपने पूरे हो रहे हैं, जो आज मेरे घर में मेरी इज्जत काफी बढ़ चुकी है। एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोच है, जिस सोच को अपनी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के दम पर सच में बदला है इसके चेयरमैन मिस्टर इमरान अली ने। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एवरग्रीन एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अलग अलग प्रदेश में कार्य करती है। हमारी एवरग्रीन एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत के यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा में वर्किंग कर रही है। भारत देश में आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है, बहुत जर्जर है। वो अपने स्तर पर ही अपनी खेती करते हैं और अचानक बाढ़ आपदा बारिश से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इसमें किसान मजबूर हो जाता है अपनी मजबूरियों को आत्महत्या या दुख बांटने के लिए किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिलता। इसी उद्देश्य से भारत में किसानों को एक सहायता प्रदान करने के लिए, एक सहयोग करने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। एवरग्रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसमें हम किसानों को
सोसाइटी का मेंबर बनाएंगे और सोसाइटी में किसान अपना मेंबर बनने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे और जो कॉन्ट्रीब्यूशन सब लोगों से आएगा उस कॉन्ट्रीब्यूशन को, उस पैसे को किसानों की हालात को सुधारने के लिए और कृषि को, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनना बहुत ही आसान है। इसके लिए चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 1 गारंटी होल्डर और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या किसी भी तरह के पहचान पत्र का होना जरूरी है और ₹10 का फॉर्म भरकर कोई भी इसका सदस्य बन सकता है और अपनी पसंद की योजना चुन सकता है। आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। दुनिया में जितने भी देश आते हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान देश आज भी उन सिटीज़ से, उन कंट्रियों में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। आज के स्टूडेंट को हम देखते हैं MBA करते हैं, BTech करते हैं, लेकिन उनके उसके बाद भी क्या मिलता है, मात्र 8,000 सैलरी, 10,000 सैलरी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि हमने इंटरव्यू के लिए एक ऑप्शन निकाला तो हमारे पास इतने बच्चे आए, देखा कि हमने 400-500 बच्चे हमारे पास आए और सारे ही उनमें मोस्टली BTech MBA के हुए थे, लेकिन उनको तलाश थी तो सिर्फ इस चीज़ की कि कोई भी हमें छोटी से छोटी जॉब मिल जाए, चाहे कुछ बड़ा ना हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने सोसाइटी अपनी लॉन्च की और आज सोसाइटी लॉन्च की उसी चीज़ को देखते हुए हमारी आज 5 कंपनियाँ हो चुकी हैं। जो भी लोग बेरोजगार हैं, हर एक व्यक्ति को हम अपनी कंपनी में मेंबर बनाएंगे, जिससे कि देश की बेरोजगारी खत्म हो और बेरोजगारी खत्म करके दिखाएंगे। ये सभी सदस्य यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और सदस्यों को जोड़ने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाते हैं और उन्हें योजना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। एवरग्रीन सीनियर सिटीजन समृद्धि योजना, ये योजना हमारे देश के वृद्धों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। इस योजना की प्रमुख बात यह है कि ये 5 साल के लिए होती है, जैसे कि पहले किसान विकास पत्र होता था। इस पर मिलने वाली ग्रोथ 14.9% है, जो हर 3 महीने में मूलधन में जुड़ जाती है और अगर हम साल के अंत में देखें तो ये ग्रोथ 15.75 होती है। इस योजना में खाता कम से कम ₹1,000 से खुलता है। खाता धारक को एक प्रमाण पत्र भी मिलता है। अंतिम और अहम बात यह है कि खाता धारक अपने इस खाते का वारिस यानी नॉमिनी रख सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने इस योजना में ₹10,000 5 साल के लिए जमा कराए हैं तो उसे 5 साल बाद दुगना यानी ₹20,000 मिलेगा। एवरग्रीन महिला समृद्धि योजना, यह योजना सीनियर सिटीजन की तरह ही है, पर यह योजना हमारे देश की महिलाओं को समर्पित है। इस योजना का लाभ किसी भी उम्र की महिला उठा सकती है। ये 5 साल के लिए होती है, जैसे कि पहले किसान विकास पत्र होता था। इस पर मिलने वाली ग्रोथ 14.9% है, जो हर 3 महीने में मूलधन में जुड़ जाती है और अगर हम साल के अंत में देखें तो ये ग्रोथ 15.75 होती है। इस योजना में खाता कम से कम ₹1,000 से खुलता है। खाता धारक को एक प्रमाण पत्र भी मिलता है और इस योजना में भी खाता धारक अपने इस खाते का वारिस यानी नॉमिनी रख सकता है। इस योजना में अगर किसी महिला ने ₹10,000 5 साल के लिए जमा कराए हैं तो उसे 5 साल बाद दुगना यानी ₹20,000 मिलेगा। इसके बाद है हमारी एक और अहम योजना, वन टाइम कंट्रीब्यूशन योजना। इस योजना की अनेक खूबियां हैं। खाता कम से कम ₹1,000 से खुलता है। इस योजना के तहत आप अपना पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5.5 साल, 8.5 साल या 124 महीनों के लिए जमा कर सकते हैं। इस योजना में ग्रोथ जमा करने की अवधि के साथ साथ अलग अलग है। जैसे 1 साल के लिए जमा करने पर ग्रोथ 9% है, वहीं अगर आप 124 महीने के लिए जमा कराते हैं तो ग्रोथ मिलती है 14.75%। वहीं अगर आप 126 महीने के लिए जमा करवाते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है 14.75%। मान लीजिए कि आपने ₹10,000 1 साल के लिए जमा कराए हैं तो साल के अंत में आपको मिलते हैं
10,930.83 रुपए। वहीं अगर आपने 5.5 साल के लिए जमा किया है तब आपको मिलता है 21,315 रुपए 12 पैसे, यानी आपका पैसा 5.5 साल में दुगना हो जाता है। 8.5 साल में 30,912 रुपए 5 पैसे, तिगुना, और 126 महीने में 44,670 रुपए 90 पैसे, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। इस योजना में आपके खाते के साथ एक प्रमाण पत्र मिलता है और आप अपने खाते का वारिस यानी नॉमिनी रख सकते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन योजना। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के पास एक समय में 1,000, 2,000, 5,000 हों, पर सभी अपने भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं। उनके लिए हमारी ये योजना बिल्कुल उपयुक्त है। ये योजना 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 60 महीने, 72 महीने और 108 महीने के लिए होती है। इस योजना में खाता कम से कम 100 रुपए से खुलता है। हर बार जब आप पैसा जमा करवाते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, और इस योजना में भी आप वारिस यानी नॉमिनी रख सकते हैं, परंतु आप कितने महीने की योजना में जमा कराते हैं उस पर ग्रोथ और साथ ही साथ आपको ग्रोथ का लाभ मिले इसके लिए कम से कम कितनी किश्त जमा करवाना अनिवार्य है, यह हर टर्म में अलग अलग है। जैसे कि 12 महीने वाली योजना में जिसमें ग्रोथ मिलती है 9.5%, और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 3 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको आपके जमा रकम का 50% ही वापस मिलेगा। जैसे कि 12 महीने की योजना, इसमें ग्रोथ 9.5% होती है और ब्याज का लाभ पाने के लिए कम से कम 3 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको अपनी जमा रकम का 50% ही वापस मिलेगा। 24 महीने की योजना, इसमें ग्रोथ 10.5% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 6 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको आपके जमा रकम का 50% वापस मिलेगा। 36 महीने की योजना, इसमें ग्रोथ 11.25% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 12 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करवाने पर मैच्योरिटी के समय आपको आपकी जमा रकम का 75% वापस मिलेगा। 60 महीने की योजना, इस योजना में ग्रोथ 11.5% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 20 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको आपकी जमा रकम का 90% ही वापस मिलेगा। 72 महीने की योजना, इस योजना में ग्रोथ 12.5% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 24 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको मूल रकम ही वापस मिलेगी, उस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। 108 महीने की योजना, इस योजना में ग्रोथ 14.1% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए आपको कम से कम 24 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको आपकी जमा रकम का 100% बिना ग्रोथ के मिलेगा। 144 महीने की योजना, इस योजना में ग्रोथ 16.1% है और ग्रोथ का लाभ पाने के लिए कम से कम 24 किश्त जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मैच्योरिटी के समय आपको अपनी मूल जमा रकम ही वापस मिलेगी, उस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। एवरग्रीन सोसाइटी का उद्देश्य किसानों का साथ, हमारे देश के किसान रीढ़ की हड्डी हैं और आज उन पर बेमौसम बरसात, आज हमारी सोसाइटी हर किसान को अपना सदस्य बनाएगी और जो नुकसान हुए हैं आने वाले टाइम में उनकी भरपाई कराएंगे, जो कि किसी भी किसान का
आने वाले टाइम में कोई भी नुकसान हो जाता है तो दूसरा रास्ता किसान के पास खुला हुआ होगा। जब हमारी सोसाइटी में वो सदस्य बन जाएगा तो उसे आने वाले टाइम में कोई भी बेमौसम बरसात या कोई भी चीज़ उसे सताएगी नहीं। आने वाले कल में यही सुख के दिन होंगे, अच्छे दिन होंगे। लोगों की फैसिलिटी के लिए सोसाइटी बीज और डेयरी जैसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। सहकारिता के साथ सबका विकास। एवरग्रीन कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा अपने कर्मचारियों, सहभागियों और चैनल पार्टनर के साथ उनके दुख दर्द में उनकी मदद करती है। उनकी खुशियों में, त्योहारों में एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हमेशा साथ है। ये सोसाइटी अपने कर्मचारियों के लिए, चैनल पार्टनर्स के लिए जगह जगह सेमिनार आयोजित करती है। कंपनियां बहाना कर देती हैं, क्या भाई 4 बज गए, बैंक का टाइम खत्म हो गया, मगर हमने 11 बजे भी रात के काम कराया एटीएम टू एटीएम से। क्यों? क्या जरूरत आज है? तुम दोगे कल हमें 11 बजे तो हमारा काम नहीं चलेगा। सवाल करें, दूसरे विनर हैं मिस्टर रईस अहमद मुरादाबाद से जो तशरीफ लाए हैं, तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। इसी लाइन में बहेड़ी से तशरीफ लाए मिस्टर मोहम्मद हनीफ साहब, आप लोग जोरदार ताली के साथ इस्तकबाल करें। इसी लाइन में मिस्टर आकिल साहब जो कि मेरठ से सारी शहर से जोरदार ताली के साथ इस्तकबाल करें। मिस्टर रजनीश जी मेरठ से हैं, ये सारे लोग। मिस्टर महेंद्र सिंह जी जो कि मेरठ में तशरीफ रखते हैं, अच्छी एजीएम मिस्टर इनामुल हक साहब जो अलीगढ़ से। इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाता है।
एवरग्रीन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर भी। इसका फायदा उठाकर आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं, जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। We will face the future with confidence. Evergreen Multi-State Cooperative Society मजबूती के साथ भविष्य का सामना करेगी और विश्वास के साथ भविष्य का निर्माण करेगी। सहकारिता के साथ सबका विकास, सहकारिता के साथ।